हेलो दोस्तों, आपका योगेश एकेडमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जलगांव के बारे में। तो आपको भी इस वीडियो में इस कॉलेज से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो गाइस प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो आपको मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं इस कॉलेज से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉलेज, जिसमें कॉलेज का रैंक, स्टैब्लिशमेंट, लोकेशन वगैरह के बारे में आपको पता चल जाएगा। सेकंड नंबर में देख लेंगे डिपार्टमेंट एंड सीट मैट्रिक्स के बारे में, कॉलेज में कितनी ब्रांचेस है और हर एक ब्रांच में इनटेक कैपेसिटी कितनी है। थर्ड नंबर हम कॉलेज का कट ऑफ देख लेंगे, जो कि लास्ट ईयर का है। हर एक डिपार्टमेंट का हर एक कैटेगरी के हिसाब से हम कट ऑफ देख लेंगे। फोर्थ नंबर हम कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर देख लेंगे, सेम हर एक कैटेगरी के हिसाब से। हॉस्टल के बारे में देख लेंगे, कितनी इनटेक कैपेसिटी और फीस वगैरह क्या है हॉस्टल के बारे में। सबसे मेन पार्ट आता है हमारा कॉलेज का प्लेसमेंट रिपोर्ट। अकेडमिक ईयर के हिसाब से देख लेंगे हाइएस्ट पैकेज, मिनिमम पैकेज और कितने बच्चों का प्लेसमेंट होता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो हमें कॉलेज की इमेज दी गई है और कॉलेज का लोगो दिया गया है। कॉलेज के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करें तो कॉलेज हमारा 1996 में एस्टैब्लिश हुआ था। तो लगभग आज से इस कॉलेज को कम्प्लीट, मतलब 26-27 साल कम्प्लीट हो चुके हैं। इंस्टीट्यूट नेम के बारे में बात करेंगे तो हमारे कॉलेज का जो पूरा नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जलगांव है। लोकेशन के बारे में बात करें तो कॉलेज हमारा अपोजिट गवर्नमेंट ITI, नेशनल हाईवे नंबर 6, रामानंद नगर, जलगांव 4,25,002 में आ जाता है। अब हम कॉलेज के स्टेटस के बारे में बात करें तो कॉलेज हमारा गवर्नमेंट ऑटोनोमस कॉलेज है, क्योंकि अप्रूव्ड बाय AICTE न्यू दिल्ली से, रिकग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से एंड अफिलेटेड बाय कावित्री बहिना बाई चौधरी नॉर्थ महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से, जो कि जलगांव यूनिवर्सिटी है। इस कॉलेज को महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ए ग्रेड भी मिला हुआ है। अगर आपको इस कॉलेज से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हो, जो कि यहाँ मेंशन की गई है www.gcoej.ac.in। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। कॉलेज से नियरेस्ट एयरपोर्ट के बारे में बात करें तो हमारा जलगांव है, जो कि 8 किलोमीटर की दूरी पे। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हमारा जलगांव है, जो कि 2 किलोमीटर की दूरी पे। नियरेस्ट बस स्टैंड हमारा जलगांव है, जो कि 1.5 किलोमीटर की दूरी पे। कॉलेज का DTE कोड 5004 है, जिसे हम इंस्टीट्यूट या कॉलेज कोड भी कहते हैं। जब आप ऑप्शन फॉर्म भरोगे कॉलेज का, जब आपको बहुत हेल्प करेगा कॉलेज कोड। अब हम कोर्सेज के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कॉलेज हमें बीटेक की डिग्री प्रोवाइड करता है। ऑटोनॉमस कॉलेज है, इसलिए कॉलेज हमें बीटेक की डिग्री प्रोवाइड कर रहा है। आप देख सकते हो बीटेक मतलब बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आप हर एक ब्रांच का इनटेक कैपेसिटी देख सकते हो। मोस्टली जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, हर एक ब्रांच का जो इनटेक कैपेसिटी होता है 60 के आसपास ही रहता है, 30 या 60 के इतना ही रहता है। यहाँ पे हम सिविल इंजीनियरिंग के बारे में देखेंगे तो आप देख सकते हो इनटेक कैपेसिटी 60 का है। कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे 60 का है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का 60 का है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यहाँ पे आप देख सकते हो 60 का है। इंस्ट्रूमेंटेशन का 30 का है। बाकी मैकेनिकल का यहाँ पे 60 का है। तो आपको 3 कोर ब्रांचेस मिल जाती है यहाँ पे, आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और CS है। IT नहीं है इस कॉलेज में। तो टोटल आप देख सकते हो बीटेक में यहाँ पे 330 सीटें मिल जाती है। आप इस कॉलेज में बीटेक के बाद एमटेक भी कर सकते हो। यहाँ पे 3 ब्रांचेस मिल जाती है आपको एमटेक में। टोटल इनटेक कैपेसिटी आप देख सकते हो हर एक ब्रांच की 18-18 की है। तो टोटल एमटेक में यहाँ पे 54 की इनटेक कैपेसिटी आपको मिल जाती है। अब हम कॉलेज के कट ऑफ के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमें सभी कैटेगरी का यहाँ पर कट ऑफ दिया गया है। सभी कैटेगरी का यहाँ पर कट ऑफ दिया गया है। तो हम हर एक ब्रांच का हर एक कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ देख लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हर एक कैटेगरी मेंशन की गई है, ओपन, OBC, DTVJ, NT 1, 2, 3, ST, EWS, TFWS। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से हर एक ब्रांच का कट ऑफ देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे इंस्ट्रूमेंटेशन में हर एक जो कैटेगरी का कट ऑफ है वैकेंट वैकेंट लिखा है, मतलब इस ब्रांच में किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया है, मतलब हर सीट खाली थी। अगर आपको ये ब्रांच में इंटरेस्ट है तो आप ले सकते हो, अगर आपके 0% भी रहेंगे तो भी आप आराम से ले सकते हो। यहाँ पे इसलिए सीट खाली है क्योंकि यहाँ पे मतलब प्लेसमेंट वगैरह उतना अच्छा नहीं है। अगर कोई बड़ा गवर्नमेंट कॉलेज होता तो वहाँ पे सीट खाली नहीं रहती, लेकिन यहाँ पे सीट खाली है क्योंकि प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मुश्किल से सिविल और मैकेनिकल वाले लोग को ही प्लेसमेंट मिल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। बाकी यहाँ पे CS को अच्छा प्लेसमेंट है, बाकी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल को उतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। बाकी इसलिए देख सकते हो यहाँ पे हर एक ब्रांच का मतलब कट ऑफ थोड़ा कम ही है, बाकी कंपेयर करोगे कोई भी प्राइवेट कॉलेज से तो। बस यहाँ पे कैसा है, गवर्नमेंट कॉलेज है, आपकी फ़ीस कम है, बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप सिविल इंजीनियरिंग का कट ऑफ देखोगे सिविल ब्रांच का, तो ओपन के लिए 57% है, OBC के लिए 39% है, DTVJ का आप देख सकते हैं 25%, NT1 का 53%, NT2 का यहाँ पे 69% है, जो कि है ज़्यादा थोड़ा। फिर NT3 का यहाँ पे 38% है, ST कैटेगरी यहाँ पे 32% है, ST कैटेगरी आप देख सकते हो 10.50% है। EWS की सीट यहाँ पे वैकेंट है, मतलब EWS के कैटेगरी के स्टूडेंट ने यहाँ पे एडमिशन नहीं लिया है। TFWS का आप देख सकते हो 54.16% गया था।
कंप्यूटर का तो जैसे कि जानते हो, कोई भी कॉलेज रहने दो 90+ परसेंटाइल रहता ही जरूर है कंप्यूटर का। तो आप देख सकते हो ओपन का जो कट ऑफ है 91.61 परसेंटाइल है, ओबीसी का 89 है, VJDT का यहाँ पे देख सकते हो 89 है, NT1 का 90 है, NT2 का 89 है, NT3 का यहाँ पे 87 है, SC कैटेगरी का यहाँ पे 87 है, ST का थोड़ा कम हुआ है 57 है, बाकी AWS TWS दोनों का 90 के आसपास है। बाकी आप देख सकते हो EXTC का भी 80 के आसपास पूरा कट ऑफ है, इलेक्ट्रिकल का भी सेम वैसे ही है, बाकी सिविल का थोड़ा कम है और मैकेनिकल का कम है। तो अगर आपके कम परसेंट आए आपको गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कम फीस में आराम से। यहाँ पे आप देख लेना हर एक कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ, अपनी परसेंटाइल के हिसाब से भी देख लेना हर डिपार्टमेंट का कितना कट ऑफ गया। अब हम कॉलेज के फीस के बारे में बात करें तो आप देख सकते हो जो कॉलेज की ट्यूशन फीस है यहाँ पे 15,000 दी गई है, कॉलेज की डेवलपमेंट फीस यहाँ पे आपकी 39,850 रुपीज़ दी गई है, और जो बाकी जो यूनिवर्सिटी जो अदर फीस है यहाँ पे 28,000 है, मतलब टोटल जो आपकी फीस होती है यहाँ पे 82,946 रुपीज़ है। अब हर एक कैटेगरी के हिसाब से अगर आप फीस देखोगे तो यहाँ पे ओपन की जो फीस है सेम उतनी है 82,000 के आसपास। यहाँ पे SC ST और PMS वाले जो स्टूडेंट है जो उनकी जो फीस है यहाँ पे 3,966 रुपीज़ है। VJDT NT 1 2 3 OBC और SBC की जो यहाँ पे फीस है 42,946 रुपीज़ है। EBC SCBC EWS की 75,000 है, TWS की 67,000 है। TWS का आप देख सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज होने के बाद भी इतना फीस ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ का डेवलपमेंट फीस ज़्यादा है। बाकी कोई भी प्राइवेट कॉलेज से कंपेयर करोगे तो वहाँ पे डेवलपमेंट फीस थोड़ा कम ही रहता है, मतलब 20,000 के आसपास ही रहता है, इसीलिए TWS की फीस यहाँ पे 20-25,000 रहती है। और जो वहाँ का ट्यूशन फीस होता है प्राइवेट कॉलेज का 1,00,000 के ऊपर रहता है, लेकिन यहाँ पे कम है 15,000 है सिर्फ, यही फ़ायदा है यहाँ पे और कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो हमें हॉस्टल के बारे में इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दी गई है। तो यहाँ पे 2 बॉयज़ हॉस्टल मिल जाते हैं और 1 गर्ल्स हॉस्टल मिल जाता है। गर्ल्स हॉस्टल में इनटेक कैपेसिटी 104 की है और बॉयज़ हॉस्टल में 360 की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो और भी क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है, RO मिल जाता है, वाईफाई वगैरह सब दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब 2 बॉयज़ हॉस्टल है और 1 गर्ल्स हॉस्टल है। तो इनटेक कैपेसिटी यहाँ पे आपको ईयर के हिसाब से देगा, फर्स्ट ईयर के लिए अलग से, सेकंड के लिए अलग है, थर्ड फोर्थ हर एक के लिए अलग है। तो जो बॉयज़ हॉस्टल की 360 की कैपेसिटी है वो सिर्फ फर्स्ट ईयर वालों के लिए नहीं है, पूरे फोर्थ ईयर तक की है। हर एक को डिवाइड है यहाँ पे 90-90 का, सेम जो गर्ल्स हॉस्टल है यहाँ पे 26-26 का डिवाइड है। अब यहाँ पे फीस वगैरह भी देख सकते हो पर ईयर की यहाँ पे दी गई है। तो हॉस्टल का जो एडमिशन फीस है यहाँ पे 2,000 है, और मेंटेनेंस वगैरह का चार्जेस है यहाँ पे 3,500 है। यहाँ पे मनी डिपॉजिट यहाँ पे 1,500 के आसपास है, मेडिकल फीस है, फिर सब 200-200 दी गई है। टोटल आपकी जो फीस हो रही है यहाँ पे 7,400 रुपये है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गर्ल्स बॉयज़ दोनों का टाइमिंग वगैरह दिया गया है, आप शाम में मतलब 7 बजे के बाहर नहीं जा सकते, और गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए 10:30 के बाद। अब हमारा सबसे मेन पार्ट आता है कॉलेज का प्लेसमेंट रिपोर्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल 350 में से सिर्फ 80 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ था 2019-20 का यहाँ पे दिया गया है। तो मतलब जो ओवरऑल प्लेसमेंट था यहाँ पे 21% था, क्योंकि बहुत कम है, मतलब 50 भी नहीं, यहाँ पे 21% है, क्योंकि यहाँ पे CSIT का ही होगा, बाकी जो कोर ब्रांचेस है उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ रहेगा। तो आप देख सकते हो मैक्सिमम पैकेज यहाँ पे 7 LP है, एवरेज यहाँ पे 2.5 है, और मीडियन आप देख सकते हो 1.2 है। तो नीचे आप देख सकते हो हर एक ब्रांच का टोटल कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, नीचे हर एक डिपार्टमेंट का यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे आप 2020 और 21 का भी देख सकते हो, तो टोटल 345 बच्चों में से सिर्फ 77 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, जो कि 28.33% होता है। हाईएस्ट पैकेज आप देख सकते हो 4.5 LP है, एवरेज पैकेज 2.5 है, और मीडियन आप देख सकते हो 1.2 का है। यहाँ पे नीचे भी देख सकते हो कितने हर ब्रांच वाइज कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। तो हम लास्ट ईयर वाली बैच के बारे में बात करें, 2022 और 23 वाली बैच के बारे में, तो उनका जो एवरेज पैकेज है वो 2 या 3 लाख के आसपास है, और हाईएस्ट पैकेज 7.5 LP है। यहाँ पे आप देख सकते हो एकेडमिक ईयर के हिसाब से हर एक ब्रांच का प्लेसमेंट दिया गया, कितना परसेंट प्लेसमेंट हुआ है। अगर आपको अभी भी कुछ भी डाउट है इस कॉलेज से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट कौन से कॉलेज का रिव्यू चाहिए वो भी कमेंट करके बता देना। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।